बताओ कि 1.5 महीने की कड़ी मेहनत और दिन रात एक करने के बाद आज रिजल्ट था, क्या कहोगे? नहीं, 1.5 महीने का नहीं है, 13 साल की मेहनत थी। 1.5 महीने का तो ये था कि ये चुनाव का संघर्ष था, और आज नारायण के मतदाताओं ने एक गरीब किसान के बेटे के ऊपर उपकार किया है। और मैं लगातार हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि भाई आम घर के बेटे जब विधानसभा जाएंगे तब गांव की और खेतों की आवाज़ उठेगी, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ बुलंद होगी। और आज नारायण विधानसभा के उन सभी मतदाताओं का, 1,63,000 मतदाता चाहे जिन्होंने मुझे वोट भी ना दिया हो, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के पर्व में उन्होंने हिस्सा लेने का काम किया। और मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि 36 बिरादरी के भाईचारे ने अपने इस बेटे को नारायण से हरियाणा की विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए चुना। अर्जन का काफ़ी चीज़ें हुई जो अब मुझे लगता है बोलने का फ़ायदा भी नहीं है। पैसा शराब बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा बहुत बांटा गया, और हम मान रहे थे कि 35-40 हज़ार के आसपास हमारी जीत कम से कम होगी, लेकिन चलिए 13 हज़ार की जीत भी बहुत बड़ी जीत है। और मैं आज कांग्रेस पार्टी का, पार्टी हाईकमान का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और सभी मेरे नारायण के मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि इस एक गरीब किसान के बेटे को उन्होंने जिम्मेदारी देने का काम किया। तो विधायक जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, रोजगार की, रोजगार लाने की सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। दूसरा, नारायण के विकास में, चाहे वो मैं आपको कहूँ चौक चौराहे की बात हो, शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे गाँव में गंदे पानी की निकासी की बात हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था करनी हो, चाहे खेती के लिए जो नहरी पानी है जो हफ्ते टूट चुके हैं, जो आज आज किसान बहुत परेशान है जिनकी वजह से जिनके साइज छोटे हैं, इन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने काम आगामी 5 साल में काम करना है। रूट मैप है हमारे पास, नारायण शहर की बात कर ले, चाहे जहाँ 4 बाईपास शहर से निकल सकते हैं, जहाँ चौकों का सौंदर्यीकरण हो सकता है, जहाँ एक नए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा सकते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं कि भाई नए कॉलेज लाने की बात हो, चाहे आज स्टाफ जहाँ हॉस्पिटल की बात कर ले वहाँ भी डॉक्टर कंप्लीट नहीं है, जहाँ कॉलेजों की बात कर ले वहाँ लेक्चरर कंप्लीट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आगामी 5 साल में हम पूर्णतः रूट मैप तैयार करके उस पर काम करने का काम करेंगे। आपके साथ युवा मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों ने एक अपने इस भाई को जो मौका दिया है और जो उम्मीदों और जो जिम्मेदारी से जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मैं वादा करता हूँ मेरे हर नौजवान भाई से, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही? नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी तो सुबह सुबह बढ़ रही थी, और इनकी आदत है, टीवी चैनल जो है वो इनके हैं, ये सुबह सुबह आ उल्ला करते हैं, उसके बाद कांग्रेस आप देखना शाम तक कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।